ये आपको मेवात के आसपास का बाजार है जहाँ पे कई सारे गांव हैं, और ये महज उस मंदिर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अरावली की पहाड़ियों के जद में कई सारे छोटे छोटे जो अल्पसंख्यकों का गांव है वो है। तकरीबन 60 से 70% आबादी अल्पसंख्यकों की है इस मेवात इलाके में, जहां से ये जलाभिषेक यात्रा निकली थी और निकलने वाली है। News 24 आपको वही माहौल दिखा रहा है। घटना के 20 से 22 दिन का वक्त बीत चुका, लेकिन बावजूद उसके आज माहौल कितना बदला है और आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाओं का क्या असर होगा, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं लोगों की जुबानी ग्राउंड से कि आखिर मेवात के लोगों के मन की बात क्या है। जो सांप्रदायिक हिंसा हुई या जो हादसा हुआ, घटना हुआ, उसका असर अब भी आम लोगों पर कितना है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। कुछ और जगहों से कुछ और तस्वीर आपको सामने दिखाते हैं। News 24 मेवात के आसपास के इलाकों का माहौल क्या है ये जानने के लिए आम लोगों के बीच में है। मेवात का इलाका है और इस तरीके से लोग दोपहर के वक्त में बैठे हुए हैं। हम चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बीते 31 जुलाई को जिस तरीके से घटना पूरे मेवात में हुई, उसके बाद ये सुर्खियों में रहा और लोग ये पूछ रहे हैं कि उस घटना का आने वाले वक्त में कितना प्रभाव होगा, पीछे कितना प्रभाव रहा और आने वाले वक्त का समाज क्या इसे प्रभावित होगा, राजनीति क्या इसे प्रभावित होगी, ये जानने के लिए ग्राउंड पर News 24 है। चाचा, हम लोग कई सारा गाँव घूम रहे थे, एक बार फिर इधर चर्चा शुरू हो गई कि 28 तारीख से यात्रा फिर शुरू होगी। लोग कई तरह के अफवाहों पर लगे कि पूरे मेवात में क्या हो गया, नूह को पूरी दुनिया जान गया, तो क्या उसको क्या देख रहे हैं आप लोग, किस तरीके का माहौल है ये देख रहे हैं जी? अगर वो करते हैं, आते हैं यहाँ, तो हमें क्या परेशानी है, यात्रा करें अपना आराम से। मजहब है ये तो, अपने मजहब में हर आदमी अपने मजहब की वो करता है। वो तो उन्होंने उस टाइम तो गलत सलत बोल करके काम किया नहीं, यात्रा तो पिछले साल भी करके गए, कई सालों से यात्रा नहीं कर रहे, कई सालों आज भी कुछ नहीं है। हमारे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मस्जिद में जा रहे हैं, आप अपने मंदिर में जाओ, हमने क्या लेना उनसे, उनकी यात्रा से। खूब जाओ, अब यहाँ के वो निकले, वो क्या नाम है, कावड़ वाले निकले, खूब गाते बजाते, किसी ने कुछ नहीं कहा। 20 साल से उतारे ही, कोई परेशान ना करे उन लोग, कोई बढ़िया ये बात का आदमी सही आदमी, एक दो आदमी ने खड़ी कर दी उनने ये परेशानी, उल्टा सीधा बोल के नहीं, यहाँ क्या परेशानी है। अब हिंदुस्तान आजाद है, इसमें कोई भी धर्म इख्तियार कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। आजादी का मतलब क्या है फिर? नहीं देखिए, चूंकि हम लोग इसलिए ये माहौल दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद फिर इधर के आसपास के खापों ने जुटा, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आपके लिए एक पंचायत कर रहे हैं, एक बंदिशें लगा दी कि नहीं हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, उसके पहले फिर अब खाप पंचायत होगी। तो आसपास के जो इलाके हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो क्या हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस घटना का असर हुआ है क्या, आप लोगों के बीच का भाईचारा या खाई बढ़ गई है, कम गई है, यथावत है? जैसा था वैसा कब ऐसा ही है जी, कोई नुकसान नहीं है भाईचारे में। और वो कुदरती ऐसा मामला भी है कि यहाँ अफसर भी सही है, SP जो है यहाँ सही है, उसने कंट्रोल कर लिया सारा मामला। अगर भड़कता भी तो मामले सामने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन भाईचारा हमारा जूं का तूं वैसा ही है, यहाँ कोई खराबी नहीं हुई। यहाँ हमारे पड़ोस में जाट ही तो हैं, यहाँ से आप 3-4 किलोमीटर निकलोगे तो जाट ही बेल्ट है, कोई परेशानी ना आज तक कैसी भी हमारे अंदर। हमारी बहन बेटी इधर रहती हैं, उनके उधर रहते हैं, सबका एक मामला। ये तो खाँप वाँप तो ये ऐसे ही खामा खा चलाइए, नहीं तो हमारे उनके बीच में तो कोई दराड़ ही ना, ये तो बाहरी लोगों ने आके है नहीं यहाँ काम खराब करा। देखिए, हम लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे ही कुछ घटना शुरू होती है ना, तो ये सिर्फ मेवात का मामला नहीं है। हाँ, आपके बगल में देखिए, मुजफ्फरनगर में जब शुरू हुआ तो कहा कि जाट और मुसलमानों का हो गया, मेवात को भी लोगों ने उसी रंग देने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि चुनाव जब वक्त आता है, नहीं है जी यहाँ सियासी आदमी कैसे भी रोटी सेको अपनी सियासत की, वो रंग यहाँ नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला रंग यहाँ नहीं है। उसका कोई भाईचारा है, भाईचारा रहेगा, भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा दूसरी जातियों वाला कोई बिछाड़ नहीं है, कोई दूर वो नहीं है। आप गैर मुस्लिम वाले में से हैं? अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर है, फिरोजपुर में गांव है। अच्छा रघुवीर जी, एक बात बताइए,
लोग ये कहते हैं कि अलग अलग जगहों पे जब घटनाएं होती है, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, चूँकि ये सटा हुआ है इधर से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात का जो बॉर्डर है, इधर फिर यूपी का कुछ इलाका शुरू हो जाता है, तो लोग कहते हैं ना कि ये जातीय गोलबंदी हो जाती है, जाट मुसलमान बना देता है, उसमें गैर जाटों का फायदा हो जाता है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव है तो वो इस तरीके का ध्रुवीकरण हो जाता है, इसलिए घटनाएं। हमारे यहाँ 10-10, 5-5 घर हैं, हमें कोई दुख नहीं है, भाईचारा बढ़िया बन रहा हमारा। ये जो बाहर से जो आदमी आते हैं ना, जो ये भाईचारे खराब कर रहे हैं, जो है 50 साल से 65 साल की उम्र, 50 साल से देख रहा हूँ कावड़ बाड़े, खूब धूम धड़ाका साथ है, कोई कुछ कुछ नहीं कहते इनसे, ठीक है ना। आप इज्जत क्राउन की सेवा और इज्जत करते हैं, पानी पानी पिलाते हैं, सब चीज का सेवा करते हैं, पूरा सहयोग करा, हर जैसे जैसे भी हम सुने हैं काई के बारे में भी, ये है शांति एरिया, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत शांति का एरिया है, बढ़िया एरिया है, ब्याह में शादी में। अच्छा, इसका कुछ, इस घटना का कुछ आप लोग राजनीतिक प्रभाव भी देखते हैं क्या आप? चूंकि अब ये तो सियासत वाले आदमी जाने, वो हमें क्या पता, हम तो सादा आदमी है, गांवों का आदमी, वो तो बड़े बड़े आदमी कामों तो। अरे तो गांव में ही तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, गांवों में अभी सियासी मामला नहीं, अभी ना चलो, अभी नहीं है, नहीं है, यहाँ एक ही मामला है, कोई किसी भी धर्म का आदमी किसी से कुछ ना बोलो, हमारे बीच में 10-20 घर रह रहे हैं, जाट यहाँ के आते जाते हैं, जाटों का ये बाजार है, हमारा भी ये बाजार है, गुजरों का भी बाजार है, कोई किसी से कुछ नहीं, सबसे प्यार प्रेम है, ये मामला जो यात्रा होगी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा हमें यात्रा करें, कोई हमें क्या दिक्कत है, अब तो आए 2000, अब आ जाए 50,000, हमें क्या दिक्कत, वो अपने सही तरीका से जो यात्रा का तरीका। लेकिन एक बात बताइए, हम देख रहे थे कि अभी पुलिस की बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले, तो माहौल इसका मतलब बहुत ठीक नहीं है, तभी तो पुलिस की जरूरत है। ऐसा है जी, पुलिस कानून तो ऐसा है, कानून तो जाबता रखता है ना, कोई भी आदमी कुछ ही भी कर सकता है, कभी भी आदमी ऐसा हो जाए खामा खां, अब यहाँ हम 4 आदमी बैठे हैं, कोई आदमी किसी मतलब के सिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी मामला हो जाए, फिर उसको भी हिंदू मुस्लिम में जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, और पुलिस का पुलिस कानून है ये तो, फिर पुलिस नहीं है तो फिर कैसे काम है, कानून जिनके कानून का रखवाला जो आदमी है उनको जब्त रखना पड़ेगा और रहना चाहिए,